नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की जांच सिलसिले में शुक्रवार को बिहार के कई शहरों में देर रात तक ईडी की जांच चली। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों के यहां भी ईडी के अफसर डेरा डाले हुए हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, जांच की आंच दिल्ली और गाजियाबाद तक पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छापों के दौरान 53 लाख रुपए नकद, 1900 अमेरिकी डॉलर, सोने के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण दिल्ली के एक घर में भी तलाशी ली गई, जहां लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। इस कथित घोटाले में अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में जिस घर में छापेमारी हुई, वो मामले में आरोपी या कहे लाभार्थी कंपनी AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड पता है। लेकिन ईडी के मुताबिक इसे यादव परिवार आवासीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ छापे पटना, फुलवारी शरीफ, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रांची और मुंबई में भी लालू प्रसाद की बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और हेमा यादव और साथ ही राजद के पूर्व विधायक अबू दुजाना, अमित कात्याल, नवदीप सरदाना, प्रवीण जैन के स्थानों पर मारे गए। कथित घोटाला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि साल 2004 से 2009 के दौरान भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन में समूह डी में कई व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और इसके बदले में उन्होंने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी थी। अधिकारियों के मुताबिक रागिनी यादव और चंदा यादव AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में पूर्व निदेशक थी, जिसे कथित तौर पर एक अभ्यर्थी से भूखंड मिला भी था। इस मामले में CBI ने हाल ही में राजद के नेता लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। आरोप है कि नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या फिर सार्वजनिक नोटिस जारी किया ही नहीं गया था, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित अलग अलग जोन में रेलवे में सब्स्टिट्यूट के रूप में नियुक्त कर दिया गया। आरोप यह भी है कि इसके बदले में उम्मीदवारों ने सीधे या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के जरिए से कथित रूप से प्रसाद के परिवार के सदस्यों को अत्यधिक रियायती दरों पर जमीनें बेच दी। तेजस्वी यादव ने हाल ही में अपने माता पिता से CBI की पूछताछ पर मीडिया से बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद के पास अनुग्रह के बदले में रोजगार देने की कोई शक्ति थी ही नहीं। जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर दो महीने पे CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फक्र जो है इससे नहीं पड़ता। वही CBI ने इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया है और सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया है। इस मामले में ईडी की एंट्री CBI की उस शिकायत से हुई जिसे धन शोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।